हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नेट क्रैकेट चैनल। फ्रेंड्स, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे एक नए पीएचडी एडमिशंस के बारे में। कंप्लीट डिटेल यहाँ डिस्कशन किया जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ पे मैं कंप्लीट फॉर्म एप्लीकेशंस के साथ में जो वेबसाइट होती है उस पर आपको ले जाके जो मेजर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आप बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ में राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन स्किप ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के बारे में बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, एनसीआर रीजन में, और रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाम पे जानी जाती है। रीइस्टैब्लिश हुई है, नई यूनिवर्सिटी है। इसके ही एडमिशन ब्राउचर पे मैं आपको सबसे पहले ले चलती हूँ। तो नाम यहाँ पे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ये। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है। ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है और ये इस्टैब्लिश की गई थी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एक्ट 2002, यूपी एक्ट नंबर 9 ऑफ 2002, एंड ये यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, नैक एक्रेडिटेड है। यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ दी स्कूल्स ऑफ प्रोग्राम्स जो है चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, देन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी है, यूनी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इस टेक्नोलॉजी है। उसके बाद अगर बात करें यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग के लिए भी है। लॉ एंड जस्टिस गवर्नेंस भी यहाँ पे है, देन वोकेशनल स्टडी और बुद्धिस्ट स्टडीज सिविलाइजेशन के लिए यहाँ पे पीएचडी जो है वो होती है। तो इन्होंने अपने ब्राउचर में कंप्लीट यूनिवर्सिटीज के बारे में डिटेल यहाँ पे दे रखा है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो पीएचडी को एक्सप्लोर करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पीएचडी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कहाँ कहाँ से पीएचडी स्टार्ट हो सकती है। तो देखिए, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भी पीएचडी है, दैट मींस अगर आप मैनेजमेंट से बिलोंग करते हो और पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे सीएसई के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए भी पीएचडी है, डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपने एमसीए किया हुआ है एआई डेटा साइंस में, एमएससी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर मैं बता दूं यहाँ पे पीएचडी आप बायोटेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज के लिए भी यहाँ पे पीएचडी एडमिशंस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब्जेक्ट्स के स्पेशलाइजेशन है जहाँ से पीएचडी आप कर सकते हो। देन इंजीनियरिंग के भी इनके पास अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी इन ब्रांचेस में है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, तो यहाँ से ये भी पीएचडी स्टार्ट है। देन लॉ की बात करें तो लॉ में भी पीएचडी है, देन यूनिवर्सिटी ऑफ वोकेशनल स्टडी में भी पीएचडी है, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री। देन उसके बाद यहाँ पे स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी और सिविलाइजेशन में भी पीएचडी है। तो अगर बुद्धिस्ट स्टडीज या सिविलाइजेशन में आप पीएचडी करना चाहते हो, सर्टिफिकेट कोर्स भी करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। आप बात कर लें मेन मेन मेजर मेजर पॉइंट्स पे, तो इन्होंने अपने ब्राउचर में काफी सारा अपना विजन और मिशन दे रखा है। देन उसके बाद इनका जो अपना खुद का एक यूनिवर्सिटी सेल है, एक नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स है, कोर्ट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है अबाउट द फैकल्टीज एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो ये आप ब्राउचर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको दे दूंगी इसका लिंक, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो लगभग ये 48 पेज का इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और यहाँ पे इन्होंने टीचिंग पेडागॉजी और ये सब अपना दे रखा है, कैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, मैनेजमेंट है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन देखिए वन बाय वन करके दे रखा है, ये आपको 19th पेज नंबर में मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन 3.1। तो यहाँ से स्टार्ट है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो इन्होंने अपना अलग अलग दे रखा है, ये देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मास्टर्स है, 50% मार्क्स, 55% जनरल है और 50% मार्क्स है रिजर्व कैटेगरी के अंडर में। फाइनेंशियल सपोर्ट्स मिलेगा, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटजी, मैथ, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ये सारी चीजें। वैकेंसीज भी इन्होंने दे रखा है एंड टेस्ट पेपर का भी जो वेटेज है वो दिखा रखा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सब्जेक्ट अवेयरनेस 50-50 मार्क्स का। तो जिस भी स्कूल में आप यहाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहें वहां के पर्टिकुलर पेज पे जाके आप देख सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है एमटेक, उसके बाद इसी कंप्यूटर साइंस का है, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस में, देख लीजिए यहाँ पे एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे,
मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी नेट और गेट क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। 3 सीटें हैं एफटी, मतलब फुल टाइम है, राइट। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इन्होंने दे रखा है अपना, एंड लगभग यहाँ पे आप अगर एक नॉर्मल मास्टर्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, या इन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। देन अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो इतनी सारी वैकेंसीज ऑन है यहाँ पे, 12 सीट है टोटल। ये स्पेशलाइजेशन में वैकेंसीज है, मास्टर डिग्री है, 50% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए है, सेम वेटेज है आपका रिसर्च ओरिएंटेड के लिए। देन उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे पीएचडी आर्किटेक्चर मैकेनिकल के लिए, देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ भी मास्टर डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्चर के साथ में, 55% मार्क्स के साथ में अगर आपने किया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। रिजर्व कैंडिडेट के लिए सेम है, फिर मैकेनिकल के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आर्किटेक्चर प्लानिंग में 3 सीटें हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7 सीटें हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी ब्राउचर में मिल जाएगी, जिस भी रिलेवेंट आप ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी सेम क्राइटेरिया है, 50-55% मार्क्स के लिए। देन अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो 14 सीटें हैं, अप्लाइड फिजिक्स में 7 सीटें हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स में 9 सीटें हैं। जो यहाँ पे इन्होंने कोड दे रखा सिलेक्शन, वो GBU ET के थ्रू होगा। अब ये ET क्या है, तो ये इनका अपना इलेक्टिव टेस्ट होता है, तो उसको ये इन्होंने नाम दिया हुआ है एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ET। उसके बाद बात कर ले यहाँ पे PhD इन पॉलिटिकल साइंस इंटर इलेक्शन रिलेशन स्पेशलाइजेशन के लिए, तो इसके लिए भी 2 सीटें हैं, 1 सीट है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, रिटन टेस्ट होगा। देन उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सबसे लास्ट में, यहाँ बुद्धिस्ट में है तो यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है। देन लॉ की बात करें तो लॉ में भी स्पेशलाइजेशन है, 3 सीटें हैं। देन 55% आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, तो लगभग सभी में सेम है। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करें तो 10,000 रुपीज़ है, नॉन रिफंडेबल है, सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल है, 10,000 है। टोटल मिला के आपका हर सेमेस्टर की जो है वो 21,900 रुपये है। ये कॉमन फीस है ऑल प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस और अकेडमिक फीस जो है वो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, PhD के लिए आप देख लीजिए, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है PhD के लिए, PhD के लिए इन्होंने लगभग वही ये चार्ज करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, तो ये PhD के लिए इन्होंने लिखा हुआ है फॉर ऑल डॉक्टर प्रोग्राम्स 1,000 रुपीज़ है एप्लीकेशन फीस, और ये 30,000 रुपीज़ है, एंड अगर आप WP के अंडर में रहते हैं तो 85,000 रुपीज़ है। देन हॉस्टल फीस और भी इन्होंने दे रखा है। रिलैक्सेशन जो मिलेगा SC ST कैंडिडेट्स को फीस में, वो एज पर UP गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फीस वन टाइम नॉन रिफंडेबल फीस एंड नॉन पार्ट टाइम अकेडमिक फीस इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद अगर जो ये देख लीजिए सिक्योरिटी फीस भी दे रखा है इन्होंने, तो ये सब तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा अपना कौन सी किस कैटेगरी में कौन अप्लाई करना चाहता है। उसके बाद रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन प्रोसीजर इन्होंने दे रखा, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको भी यहाँ 5% जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा, 5% क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। देन उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन दोनों ही तरीके से लिया जा सकता है, ये जो है वो अपना बता देंगे, आपको अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। देन उसके बाद अगर बात करें प्रोग्राम्स जो होंगे, वो सीट जो नंबर ऑफ सीट्स है वो अपना घटाई या बढ़ाई जा सकती है, वो उनका पूरा राइट है, तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का कि ऐसा ही नहीं 3 ही सीट है। तो यहाँ पे देख लीजिए फुल टाइम FT या वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो ये उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। फिर इन्होंने ये सेंटर्स दे रखे हैं, टेस्ट सेंटर्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे देख लेना अपना नियर बाई लोकेशन, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोड भर देंगे। सीरियल नंबर है ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने दे रखा हुआ। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर की अगर बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने दे रखा है कंप्लीट डिस्कशन, राइट। तो फ्रेंड्स ये पूरी इन्फॉर्मेशन ये ब्राउचर के थ्रू मैंने यहाँ पे दे दी है। एप्लीकेशन फीस की अगर इन्होंने सबसे लास्ट में दे रखा है, SC ST के लिए 500 रुपये है और जनरल OBC के लिए 1,000 रुपीज़ है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो थ्रू द वैलिड गेट, नेट, ये सारी चीज़ें,
तो इसके लिए फिर आपको 300 रुपये देने हैं एससी एससी के लिए और जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये। तो यहीं पे मैं आज का वीडियो वाइंड अप करती हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि जितने भी यूपी के रिलीजन के एनसीआर के कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग हेयर एंड लिसनिंग मी। टिल देन बाय बाय।